थी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रह मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कम जो मजामा रे काके, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा लायन जिसकी दहाड़ से अक्के उत्तर भारत का क्राइम सिंडिकेट फड़फड़ाने लगता है। आदमखोरों की भोज, लाशों के ढेर, बहता हुआ रक्त और जेल की सलाखें, उसके लिए राजमहल, ये पहचान है भारतीय अपराध जगत के उस शख्स की जिसके खिलाफ उम्र से 2 गुना मुकदमे। नाम तो सुना होगा, बोले तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने आज दहशत की सारी हदें पार कर दी है। कहते हैं कि अभी इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे उत्तर भारत में वायलेंस लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो मामा आज बात उसी लॉरेंस बिश्नोई की जो सलमान खान को दोबारा धमकी देकर चर्चा में आया है। मेरे वीरो, आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई और क्यों सलमान खान का जानी दुश्मन बन गया। कैम जो बाबा मजामा, मैं आपका अपना गुज्जू भाई एक बार फिर अतीत के कुछ पन्नों को लेकर आया हूँ। 1 अक्टूबर 1998, आज से 25 साल पहले की वह काली रात, खेतों में काम कर गांव के लोग गहरी नींद की आगोश में सो रहे थे। इधर जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जंगली पशुओं की आहट सुनाई दे रही थी। जगह थी जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर, कंकाणी गांव का घने जंगल वाला एरिया। रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ शिकारी अटपके हैं, काले हिरण के शिकार की कोशिश में। जब गोली की आवाज सुनाई दी तो मामा साला शक भी यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज आई तो गाँव वाले जग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े। इधर गांव से जंगल की ओर एक बड़ी रोशनी आती दिखी। शिकारी घबरा गए, रोशनी खूब तेजी से शिकारी की ओर बढ़ रही थी। इधर गांव वालों ने देखा, मॉडर्न कपड़े वाले कुछ यंग छोकरे छोकरी लोग जिप्सी में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पीछा किया तो तमाम शिकारी जिप्सी में सवार होकर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ लोगों ने भागते जिप्सी में बैठे सलमान खान को तुरंत पहचान लिया। लेकिन गांव वालों को ये पता नहीं था कि सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह भी थे। खैर, गांव वालों ने मौकाए वारदात पर देखा तो 2 काले हिरन जमीन पर खून से लथपथ मरे पड़े थे। इस घटना ने वहां मौजूद हर एक शख्स के जमीर को हिला डाला, क्योंकि वहां मौजूद सारे लोग बिश्नोई थे और काले हिरन को वे बच्चे की तरह पालते थे। अरे मामा, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले काले हिरन के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक बग यानी काला हिरन, जो अधिकतर भारत में ही पाया जाता है। भारत में भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे गिने चुने राज्यों में ही पाया जाता है। काला हिरन पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका शिकार पूरी तरह निषेध है। शिकार करने पर सख्त सजा मिलती है। रे मामा, काला हिरन हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व रखता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार काला हिरन भगवान कृष्ण का रथ खींचता था। वहीं वेदों में इस हिरण का जिक्र कृष्णमृग के रूप में मिलता है। काले हिरण को वायु, सोम और चंद्र का वाहन भी माना जाता है। वहीं राजस्थान में करणी माता को काले हिरण का संरक्षक मानते हैं। यही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी काले हिरण का महत्व था। इसका प्रूप धोलावीरा और महरगढ़ के प्राप्त अवशेषों में पाए गए हैं। वहीं बरसात में इसके शरीर का रंग और ऊपरी हिस्सा काले रंग का नजर आता है, जबकि निचले हिस्से में सफेद रंग पर काले धब्बे दिखते हैं। सर्दियों के मौसम में काला हिरन अपना रंग खोने लगता है और अप्रैल आते आते यह भूरे रंग का हो जाता है। रे बिड़ू, अब बात करें बिश्नोई समाज की। बिश्नोई भारत का एक हिंदू संप्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान और अन्य प्रदेशों में पाए जाते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर जी पवार को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। जम्बोजी महाराज ने जीवन जीने के लिए 29 नियम दिए थे और इन्हीं नियमों का पालन करने वाला कहलाया बिश्नोई। बिश्नोई शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, 20+9 अर्थात जो 29 नियमों का पालन करता है वही है बिश्नोई। इतिहास में ऐसे कई मौके आए
जब बिश्नोई समाज के लोगों ने प्रकृति, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे दी। बिश्नोई समाज के लोग सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं है, वे राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आबाद है। जोधपुर से सांसद रहे जसवंत सिंह बिश्नोई कहते हैं, हमारे संस्थापक चंपेश्वर जी ने जीव दया का पाठ पढ़ाया था। वह कहते थे, जीव दया पालनी रूख लीलू नहीं धावे, यानी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए और पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इन कार्यों से व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। बिश्नोई समाज के पर्यावरण कार्यकर्ता हनुमान बिश्नोई कहते हैं, जोधपुर रियासत में जब सरकार ने पेड़ काटने का आदेश दिया था तो बिश्नोई समाज के लोग विरोध में खड़े हुए थे। यह बात है 1730 की। उस वक्त अवैसी का शासन था। उस वक्त नारा दिया गया था, सर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कट कर भी पेड़ बच जाए तो भी सस्ता है। कहते हैं कि जब रियासत के लोगों ने पेड़ काटने के लिए आए तो जोधपुर के खेजडली और आसपास के लोगों ने विरोध किया। उस वक्त बिश्नोई समाज की अमृता देवी ने पहल की और पेड़ के बदले खुद को बेच दिया। इसी कड़ी में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने खुद को कटवाकर प्राणों के बलिदान दिया, जिनमें 111 महिलाएं थी। इन्हीं बलिदान की याद में हर साल खेजडली में मेला आयोजित किया जाता है और बिश्नोई समाज अपने पुरखों की कुर्बानी को श्रद्धा सम्मान अर्पित करता है। भाई लोग, बिश्नोई समाज में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो बिश्नोई समाज की महानता को प्रदर्शित करता है। जब आप बिश्नोई समाज के गाँव में जाओ तो अक्सर देखने को मिलता है कि बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चे की तरह हिरण के बच्चे को आंचल में समेट स्तनपान कराती नजर आती है। अब कहानी की ओर आते हैं। असल में 1998 की उस रात में जब सलमान खान शिकार करने आया, उस वक्त दो लोगों ने काले हिरण का शिकार करते देखा था। वे दो लोग और कोई नहीं बल्कि बिश्नोई समाज के ही थे। इधर पूरे उत्तर भारत क्राइम सिंडिकेट का डॉन लॉरेंस बिश्नोई भी इसी समाज में आता है। अब थोड़ा बहुत लॉरेंस बिश्नोई को समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब की अबोहर तहसील के तत्रावली गांव में हुआ था। उसके बापू ने उसका नाम लॉरेंस इसलिए रखा, जब वह पैदा हुआ तो दूध की तरह चमक रहा था, बोले तो एकदम चिकना था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता के बारे में गलत बात बताई जाती है कि लॉरेंस के पिता एक पुलिस अफसर थे। रिश्वत की काली कमाई से उसका लाडला लॉरेंस बिश्नोई बिगड़ गया, लेकिन मामा हकीकत कुछ और ही है। लॉरेंस के पुरखों की बात करें तो लॉरेंस के पुरखों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। वहीं इसके परिवार के बहुत सारे लोग सरकारी पदों पर सेवा दे चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बापू बोले तो लाविंदर सिंह कोई पुलिस वाले नहीं थे, वे एक सुखी संपन्न किसान थे जिनके पास 100 एकड़ से अधिक जमीन थी। हालांकि अब लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई दोनों बेटे अपराधी बने तो बाप का सिर झुक गया। अब वो घर से नहीं निकलते और जमीन भाड़े पे देते हैं। खैर, लॉरेंस बिश्नोई सुखी संपन्न घराने का लाडला था, डीए में कॉलेज करने जा पहुंचा, लेकिन छात्र राजनीति में लड़ाई झगड़ों के चलते जेल गया और फिर एक के बाद एक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते गए और वह जेल में अपनी गैंग को बढ़ाता चला गया और आज मुसीवाला को मारकर पूरे इंडिया का सबसे बिगेस्ट क्रिमिनल बन गया। यहाँ और एक बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जाता है कि कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, उसे जलाया गया, बदला लेने वह गैंगस्टर बना, वगैरह वगैरह। तो मामा सुनो, ये भी एक अफवाह ही है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड या कोई लव स्टोरी ना है। यहाँ मैं किसी क्रिमिनल की तारीफ या पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन जो बात फालतू के व्यू और TRP के लिए लोगों तक गलत तरीके से दिखाई जाए तो मामा सच तो बोलना पड़ेगा ना। खैर, January 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में पेशी थी। इसी दौरान उसने सलमान खान को पहली बार मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि अपने एक शार्प शूटर संपत नेहरा को सलमान को मारने भेज भी दिया था, लेकिन सलमान की हाई सिक्योरिटी के चलते संपत अपने इरादे में कामयाब ना हो पाया। रे बिड़ू, अब तक अपन ने कई किस्सों में जो कहानियां सुनाई, इससे आप इतना तो जरूर समझ चुके होंगे कि आखिरकार क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का प्यासा है। सलमान पर आरोप है कि उसने काले हिरण का शिकार किया, वहीं पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे समाज से आता है जहां पर काले हिरण की पूजा की जाती है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। उसने खुद बकायदा एक फेसबुक पोस्ट पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह बताई। ये सारे काम उसने जेल में बैठे बैठे ही कर डाला था।
हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को एक ईमेल भेजकर फिर से धमकी दी गई थी। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने उसके फार्म हाउस पनवेल पर अपने शूटर भी भेजे थे। हालांकि चारों शूटर नाकाम रहे, इस बात का खुलासा खुद दिल्ली एसटीएफ कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से इस कदर नाराज है कि वह पूरे इंडिया के सामने खुल्लम खुल्ला कहता है वह सलमान खान का अहंकार तोड़ डालेगा। हाल ही में उसने एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में एक बार फिर वही बातों को दोहराया। उसका कहना है कि सलमान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज को बेइज्जत किया है। उसने ये भी कहा कि हमारे समाज के लोगों ने सलमान को ये भी कहा था कि हमारी कुलदेवी के मंदिर आकर माफ़ी मांग ले, हम उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन वह जीत पर अड़ा है। इधर इन धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया पर खुले तौर पर सलमान को मारना जीवन का मकसद बताता है, वह कहीं ना कहीं सलमान के लिए एक चिंताजनक विषय बन चुका है। रे बाबा, मजे की बात तो यह है कि अभी लॉरेंस का जो इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर आया, उसने इस पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल क्या, सिस्टम के बड़े बड़े दावों के परकच्छे उड़ा दिए। देश का एक क्रिमिनल जो इस तरह मीडिया में लाइव इंटरव्यू दे रहा हो, वो भी जेल में, मतलब जेल में क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया और समझ भी लिया। इस वीडियो से पंजाब और राजस्थान पुलिस की नींद उड़ गई। अब बड़े बड़े आला अधिकारी दौड़ते दिख रहे हैं। दोनों राज्यों की पुलिस ये तो मान रही है कि वीडियो जेल के अंदर शूट किया गया, लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं कि हमारी जेल में शूट किया गया। कहा जाता है कि जेल में जामर लगे होते हैं जहां फोन का इस्तेमाल करना असंभव है, लेकिन इंटरव्यू देख लगता है कि जेल का जामर भी शायद लॉरेंस बिश्नोई को देखकर जाम हो गया हो। जो बंदा जेल में बैठकर इंटरव्यू दे सकता हो वह क्या क्या नहीं कर सकता, ये सोचने पर भी रूह कांप उठती है। हालांकि सरकार की तरफ से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हो सकता है सलमान खान ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड भी बढ़ा दिए हो, लेकिन ये भी सच है कि 1998 की उस रात जो भी हुआ वह कानून और धार्मिक दृष्टि से टोटल गलत था। जिस वक्त ये कांड हुआ उस वक्त वहाँ फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। अरे मामा, चिकन मटन खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मांस खाने के लिए कानून और धर्म के साथ खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है हमें बिश्नोई समाज की मान्यता है मजाक लगती हो, लेकिन अब किसी की मान्यता है तो है। सलमान इस केस में कई बार जेल जा चुका है और केस अभी भी चल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जान से ठोकने की धमकी दिया जाना भी टोटल गलत है ना। जिन बिश्नोई समाज के लोगों ने प्रकृति को बचाने, अपने प्राणों की आहुति देकर पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाया हो, उसी समाज से एक बंदा उठकर किसी व्यक्ति के साथ हिंसा करने की बात करे तो मामा गलत है ना। माना कि सलमान ने गलती किया तो उसके लिए सिस्टम कानून है, बुराई का अंत निश्चित है, तो भाई लोग कभी भी आवेश में आकर कोई गलत कदम मत उठाना, अच्छे इंसान बनो। अहंकार, क्रोध, पावर, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है जब ऊपर वाला पिछवाड़े पर लाठियां ठोकता है। तो मामा बस हिंसा मत फैलाओ, उभरते हुए युद्ध को गलत राह मत दिखाओ। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।